हाय, वेलकम बैक दोस्तों। मैं जोशी सर। एंड दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज करने वाले हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड एज लॉगरिथम। तो चलिए, क्या कंसेप्ट था, क्या फॉर्मूला था, एक टाइम उसे रिवाइज कर लेते हैं। द फॉर्मूला वॉज, इफ वॉट वी आर हैविंग, इफ ए इज टू एक्स इज इक्वल टू एम, if a raised to x is equal to m, then we are interested to write that part, then we are interested to express that part as x is equal to log of m to base a. Then we are interested to write x is equal to log of m to base a. And फिर उसके साथ दोस्तों हम लोग बात करना चाहते हैं। चलिए अगेन एक टाइम चेक करता हूँ, somebody was entering the room। चलिए, no problem। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कितने वर्ड्स है, कितने प्लेसेस है। क्या कोई बच्चा बात करना चाहेगा? हमने हाउ मेनी प्लेसेस आपको समझाए थे, क्या वो याद है? इट इज ए टू एक्स इज इक्वल टू एम, हाउ मेनी प्लेसेस वी आर हैविंग विद अस, एंड उसके साथ कैसे आगे चलेंगे। श्योर? तो अगर बहुत प्रॉपरली देखते हैं तो ए टू एक्स इज इक्वल टू एम था, तो इसका हमने यूज किया था, वेरी गुड। सब थ्री इंपॉर्टेंट प्लेसेस हमने फाइंड आउट किए थे। सब थ्री इंपॉर्टेंट प्लेसेस वेयर, सबसे पहले हमने ढूंढा था इट इज कॉल्ड एज अ बेस, सेकंड वन वाज एन इंडेक्स, एंड थर्ड वन वाज एन राइट हैंड साइड। सो बेस यहाँ पे था ए, इंडेक्स वाज एक्स, एंड राइट हैंड साइड वाज एम। सही बात है। तो इसका यूज करके हमने कैसे एक्सप्रेशन डेवलप किया था? सम एक्सप्रेशन डेवलप किया था, इंडेक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? बेस मिलेगा। सो दिस इज सिंपलेस्ट वे दोस्तों, जो हमने ढूंढा था। चलिए मैं अगेन एक टाइम रिपीट करता हूँ, एंड फिर कुछ क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस आज हमें इसके साथ काम करने हैं। सो इफ ए इज टू एक्स इज इक्वल टू एम, ए इज कॉल्ड एज एन बेस, एक्स इज कॉल्ड एज एन इंडेक्स, एंड एम इज कॉल्ड एज एन राइट हैंड साइड, देन व्हाट वी कैन से, एक्स इज इक्वल टू लॉग एम टू बेस ए। मतलब ये एक्स क्या है? एक्स इज जिंदगी भर इंडेक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम इज नथिंग बट अवर राइट हैंड साइड, एंड ए इज नथिंग बट अवर बेस, जिसे हम लोग यूज करेंगे। श्योर? एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड वी कैन रिवर्स इट, वी कैन राइट इट इन अपोजिट फैशन, दैट इज इंडेक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर एच एस टू बेस ए। तो हम लोग इसे ऐसे फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। श्योर? एंड वी टेकन सम रैंडम एग्जांपल, आज और थोड़े से एग्जांपल लेके बात करना चाहिए। सो दोस्तों, क्या बात थी वो? इफ सेवन क्यूब, कैन एनीवन लेट मी नो व्हाट इज सेवन क्यूब? तो मैंने कहा था प्लीज यूज द कैलकुलेटर, इट इज अलाउड टू बी यूज इन डिप्लोमा कोर्सेस। एंड श्योर, अभी तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ हाउ टू यूज इन कैलसी, लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने रिक्वेस्ट किया था प्लीज ब्रिंग द कैलकुलेटर, सो दैट वो सेशन में हम लोग और डिटेल में बात कर सकते हैं। बिकॉज 7³ इज 343, देन देन दिस इज समथिंग व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। बोलिए कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, व्हाट वी आर इंपॉर्टेंट हैविंग 7³ इज इक्वल टू 343 था। तो सबसे हमें क्या फाइंड आउट करना है? सर, तीन बातें, एंड वो तीन बातें अपनी अपनी जगह पे लिखना है। कितना इसे सिंपल हम लोग कर सकते हैं? बोलिए, सबसे पहला क्या आता है सर? तो सबसे पहले आता है बेस। तो कैन वी मार्क द बेस? यस सर, और वी कैन से 7 इज कॉल्ड एज अवर बेस। 7 को क्या बोलेंगे? बेस। 3 इज कॉल्ड अवर इंडेक्स, एंड 343 इज कॉल्ड एज एन राइट हैंड साइड। श्योर? तो तीन बेसिक बातें हमें मिल गई पक्का। सो अवर इंडेक्स इज 3, बेस इज 7, एंड राइट साइड इज 343। तो दोस्तों इसका यूज कैसे करेंगे? वी आर इंटरेस्टेड टू राइट द फर्स्ट नंबर, एंड इट इज कॉल्ड एज एन इंडेक्स। तो सॉल्यूशन में आने का, इंडेक्स ढूंढने का, व्हाट वी कैन से, इंडेक्स इज 3, तो 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आरएचएस। व्हाट इज अवर आरएचएस? इट इज लॉग ऑफ RHS, RHS is 343, and base में हम लोग लिखेंगे उसका नंबर, and then it is written as 343.
log of 343 divided by 7. Are you getting me? Sure, 100%. Hope so. सारे बच्चे पोजिशन तक आ रहे हैं, वो एक्सप्रेस इट इन दैट फैशन. सेम परफेक्ट हम लोग आगे जाएंगे. व्हाट वी कैन से, इफ y cube is equal to 125, then y intercept to write that answer. Please observe it carefully. y cube is equal to 125, then y intercept to write that logarithmic form. तो logarithmic form कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले हमें चाहिए index. तो यहाँ पे आके बात करेंगे what is our index? तो 3 is our index. तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा it will be 3. It is equal to log of. सही बात है? So it is 343. But that 343 is nothing but our RHS. So we can say, so this is RHS. So it is log of 343 to the base. And what is our base? So base is our 5. So we can say, yeah, base is what we get? 5. Dosto, bataiye, ye tha ek simple version. Koi bhi question agar hame diya jata hai, a is to x is equal to m. And jab kaha jata hai, ke try to use the basic concept, try to use a definition of an logarithm, and dosto iska answer dhoondne ke agar kaha jata hai to ye method se hum log use solve karke nikal sakte hain. And fir agar ye basic hame samajh mein aaya, you have got an idea how to write in logarithmic form, iska use karke dosto hum log aage ke numericals mein enter kar sakte hain. So please reply me, have you got this idea? 100% samajh mein aa raha hai. I'm expecting replies from your side. तो ये जो 343 यहाँ पे था, it was RHS, यहाँ का RHS है 125. So I was expecting कि आप में से कोई तो बच्चा मुझे reply करेगा. चलिए, no problem. तो I think we have gotten reply कि नहीं है, कैमरा में दिखता नहीं है, लेकिन hope so by getting that person. Sure, 100% check कीजिए, it is 125. तो हमेशा मैं check करता हूँ कि सामने से बच्चे कितने alert है और वो कितने connect हो सकते हैं. तो अच्छी बात थी, हमने एक इंपॉर्टेंट चेक करके दिया. इट इज इंडेक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ राइट हैंड साइड टू द बेस, एंड इफ बेस को भी अच्छे तरीके से लिखेंगे इट विल बी एन 5. श्योर, सो व्हाट यू कैन से, बेस आ गया 5, ये आरएचएस आ गया 125, एंड फिर हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल्स के साथ आगे चलते हैं. श्योर, जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, प्लीज रिप्लाई मी, हैव यू गॉट दैट पार्ट? थोड़ा सा जो चेंज करके मैं चेक कर रहा था वो होप सो सारे बच्चों को समझ में आया है. Expecting